मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कितने लोग हैं? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। 28 मई दिन रविवार, एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पहलवानों के समर्थन में 28 मई के दिन ही संसद की नई इमारत के सामने महिलाओं की महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घमासान शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी धरने की जिद पर अड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर मोदी विरोधियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज भी कसा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र पर संसद की नई इमारत पर भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। खैर, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उस जगह को घेर दिया गया। वहीं इस मुद्दे को लेकर फिर राजनीति भी शुरू हो गई। इसी खबर को लेकर दैनिक भास्कर अखबार ने एक तस्वीर साझा करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, जंतर मंतर पर हिरासत में पहलवान, नई संसद जाने के लिए बैरिकेड्स लांग रहे थे, बजरंग पुनिया बोले हमें गोली मार दो। दैनिक भास्कर का इतना लिखना था कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर डॉक्टर NC अस्थाना ने दैनिक भास्कर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिख दिया, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। हालांकि पूर्व IPS के इस ट्वीट का बजरंग पुनिया ने भी जवाब देते हुए लिखा, ये IPS ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है, भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने, कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली, यो ही रह गया है अब हमारे साथ करना तो यो ही सही। वहीं अब इन सब के बीच हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास भी कूद गए हैं और उन्होंने पूर्व IPS को भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। कुमार विश्वास ने लिखा, किसान आंदोलन के समय बालकनी में कैक्टस उगाने वाले फेसबुक क्रांतिकारी जब किसानों को गालियां दे रहे थे तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप किसी भी आंदोलन के मुद्दे से सहमत असहमत हो सकते हैं किंतु दोनों पक्षों को कम से कम संवैधानिक मर्यादा व संवेदनशीलता तो रखनी ही होगी। ओछी भाषा, अहंकार व हट धर्मिता आपको सुकून व वांछित कृपा तो दे सकते हैं किंतु भारत नामक समावेशी विचार के विपरीत जाते हैं। ईश्वर सद्बुद्धि दे और समय रहते न्याय करे। वैसे कुमार विश्वास ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है, हम भले ही किसी भी आंदोलन के विरोध में हो या पक्ष में, लेकिन भाषा की मर्यादा, संवैधानिक मर्यादा को हमें कभी ताक पर नहीं रखना चाहिए, और खासकर एक ऐसे शख्स को जो पूर्व IPS रह चुका है, देश की सेवा कर चुका है, अगर ऐसे लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह का संदेश आम लोगों में जाएगा। जो पहलवान धरना दे रहे हैं वो किसी मोहल्ले या फिर गली कूचे के पहलवान नहीं हैं, उन्होंने पहलवानी में देश को मेडल दिलाया है। वो जिस बात को लेकर धरना दे रहे हैं उसका विरोध करना अलग बात है, आपको अधिकार है कि आप पहलवानों के धरने का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इस तरह की सड़क छाप और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए।